इसको हीट देने का असल मकसद ये है कि जब उसमें बिरयानी डाली जाएगी तो ऑलरेडी हीट अप रहेगी। टेस्टी मजे के। तो क्या बताऊँ, टेस्टी बहुत ही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारिस अहमद और आप देख रहे हैं हारिस व्लॉगिंग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम आए हुए हैं बिरयानी खाने और ये बिरयानी थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि ये मटके में बन रही है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको टेस्ट किया जाए और आपको भी इसके बारे में बताया जाए कि इसको बनाया कैसे जाता है और इसको खाने में इसका टेस्ट है कैसा। आए चलते हैं, इसकी थोड़ी सी मेकिंग दिखाते हैं आपको और फिर इसको टेस्ट करके बताते हैं। लेट्स चेक। ये आप इसको तर कर रहे हैं ताकि वो गीली हो जाए, चारों तरफ ऑयल लगाने ताकि इसके ऊपर चावल चिपके नहीं। वेज भाई ज़रा बताएंगे आपने अभी इसको किया क्या है? मेन मोटिव ये है कि मटकी को हीट देना पहले ऑयल की वजह से, ऑयल डाल के इसको हीट देने का असल मकसद ये है कि जब इसमें बिरयानी डाली जाएगी तो वो ऑलरेडी हीट अप रहेगी, तो इससे ये है कि कस्टमर का टाइम भी बचेगा और बिरयानी भी जल्दी बनेगी। ये अब फुल जो है नीचे से बन चुका, मटकी पूरी तरह से गर्म हो चुका, मतलब अंदर अभी ऑयल लगाएंगे साइडों में और उनसे ऑयल हमने गर्म किया था, ऑयल को हम लगाएंगे चारों तरफ ताकि इसमें चावल बिल्कुल भी नहीं चिपके। सही, फिर हो गया प्रॉपर। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि इसके अंदर पहले डालते हैं तरी डालते हैं, उसके बाद फिर इसके अंदर डालते हैं बोटी, उसके ऊपर फिर डालते हैं चावल। ये होता है मेन तरीका बनाने का, मगर हमने इस चीज़ को शॉर्ट कर दिया, उसमें लगता है आधे से पौन घंटा। अच्छा, 30 to 45 minutes हमने इसको कर दिया शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट करने से ये हुआ कि हमने तरी और चावल जो वो मिक्स कर दिया आपस में। सही, उससे ये होता है कि जहाँ हमारा 30 मिनट्स लगने होते हैं वो हमारे कन्वर्ट हो जाता है 10 to 15 मिनट्स के। सही, तो इस तरह से आपने टाइम भी शॉर्ट कर लिया, शॉर्ट कर दिया, और कंज्यूमर कस्टमर के लिए टाइम को शॉर्ट करके उसको बेहतरीन से बेहतरीन चीज जल्दी देने की कोशिश। ठीक, और ये सब चीज़ें आप पहले से तैयार करके रखते होंगे क्योंकि जब डिमांड आए तो आप फौरन बना लें। ये सारी चीज़ें हमारे पास फ्रेश कटी हुई होती है, हमारी सब्जी होती है, ये हमारा योगर्ट है, रंग मिलाया जाता है, गट्टे का रंग होता है, इससे ये होती है कि इसके अंदर खुशबू आती है, मिठास आती है। सही, प्रिपेयर्ड होती है ये वाले। अच्छा, ये बिरयानी आप रेडी करके रखते हैं, बस इसमें जो है आप दम देते हैं। ये एक चीज़ है और ये हमारे वाइट चावल है, सफ़ेद चावल, ये वाइट चावल है, ये बिरयानी का चावल है। अब होता क्या है कि लोग इस तरीके से बनाते हैं कि लोग तरी बनाते हैं और रोटी अलग रखते हैं, चावल अलग रखते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हमने इस चीज़ को कर दिया बिल्कुल ही प्रॉपरली शॉर्ट। अच्छा, आप चीज़ें रेडी करके पहले से रख लेते हैं? प्री रेडी होती है, सिर्फ इसको हीट देनी होती है। हीट देनी होती है, ये चीज़ें जो है वो शाम से हमारी, मतलब बेसिकली हम क्या है इसको दम देना होता है। बिल्कुल दम देना होता है, दम देना होता है, बिल्कुल ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख लिया है। ये है कि सबसे पहले हम बनाएंगे मसाले वाले चावल, इसलिए लगाया गया था क्योंकि इसके अंदर चावल अगर बगैर ऑयल के डाले जाते तो चावल जो है हीट देने के लिए चिपक जाते। अब बोटी की क्वान्टिटी भी चेक कर लें कितनी बड़ी है बोटी से, तो देखा है तो मज़ा आता है, टेस्ट तो है, वो चिकन हो या बीफ हो तो उसका टेस्ट वो उसी से। हम सिर्फ बॉईल करके ही रखते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मसाले में प्रिपेयर्ड है। अच्छा, क्योंकि टाइम बचाने के लिए। सही, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा योगर्ट, थोड़े से हमारे हर्ब्स हैं। ठीक है, मसाले वगैरह जो आपके, थोड़ा सा नमक जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल लाइट सा, और इसके ऊपर रख देंगे मटका। और ये मटका कितने केजी का है? ये मटका 1 केजी का है। 1 केजी का, 1 केजी होती है अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3% के लिए होता है, मगर उसमें क्या बिल्कुल अपना पेट भर के खा सकते हैं। सही, 3% के लिए बहुत बेस्ट है 1 केजी। सही, जो बीफ लवर होते हैं, जो चिकन लवर होते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। बिरयानी की स्पेशलिटी यही होती है कि टॉप ऑफ द लिस्ट तक फुल रहे। ठीक, और इसकी तकरीबन मेकिंग कितने टाइम पीरियड तक की रही होती है कि मतलब कितना टाइम लगता है इसको मेकिंग होने में? मेकिंग होने में 20 टू 25 मिनट्स में कस्टमर के पास पहुंच जाती है, और प्री मेकिंग तो आपकी रेडी होती है, हर चीज़ रेडी होती है, वजह से ताकि कॉर्नर्स पे लगे। सही, ताकि चावल इसको चिपके नहीं साइडों पे। असल मकसद ये है, मटका बिरयानी का मकसद ये है कि चावल नहीं चिपके, चावल चिपक गए तो फिर वो मज़ा खराब हो जाएगा। प्री मेकिंग रखने की वो मैं आपको दिखाता हूँ। टोटली इसकी गार्निशिंग होती है, इसके अंदर अब लगेगा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है,
मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी है, इससे कोयले का थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। वो जो आधे घंटे का शॉर्ट पीरियड करके हमने 15 मिनट्स पे कन्वर्ट किया है, वो असल वजह ये है कि ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसको कर देंगे, अभी तो मेन प्रोसेस बाकी है, अभी तो ये हाफ रेडी है। अच्छा, अब ये यहाँ से कोयला निकलेगा जो दम है इसका, दम खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म होने के बाद फिर ये प्री पोजीशन पे जाएगी रेडी होने के लिए। सही, वहाँ पे 5 to 7 मिनट्स इसको रखा जाएगा, हीट दी जाएगी ताकि चारों तरफ से जो बिरयानी है वो गर्म हो जाए, ताकि जब कस्टमर निकाले तो एक एक फीलिंग आए उसको। सही, तो ये गर्म है क्योंकि हमने पहले ही गर्म कर दिया था उसको, मगर असल मकसद क्या था कि फीलिंग आए। सही हो गया, तो बिरयानी का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि थोड़ी सा जो है कोयले का भी टेस्ट आ रहा हो और गरम गरम। क्या करते हैं लोग कोयले पे बना देते हैं, मगर वो टेस्ट अंदर तक नहीं आ पाता। हमारा मोटिव क्या है कि अंदर भी टेस्ट आना चाहिए, तो इसलिए हम उसको पहले ही कोयले की स्टीम को दे देते हैं उसके अंदर, ताकि बिरयानी के अंदर एक टेस्ट आए। थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों ने कब शुरू किया ये सेटअप? बेसिकली हमारा मोटिव ये था स्टार्ट करने से पहले, मैं इस फील्ड का था नहीं। अच्छा, बट मटका चाय स्पेशली हमारा स्टार्ट करने का था कि हम मटका चाय, मैं इस्लामाबाद गया था, इस्लामाबाद में देखा मैंने एक जगह पर मटका चाय काफ़ी ज़्यादा फेमस है और चल रही है, मगर वहाँ पे टेस्ट नहीं था। अच्छा, टेस्ट नहीं था, आपने ट्राई किया? टेस्ट नहीं, ट्राई किया वहाँ पे, तो वहाँ पे 100 rupees की थी, मगर टेस्ट बिल्कुल नहीं था उसके अंदर। सही, तो मैंने सोचा क्यों ना ये कराची में भी ट्रेंड निकाला जाए, क्योंकि कराची में, कराची बहुत बड़ा है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर है, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम मटका चाय को प्रमोट करते हैं कराची के अंदर, क्योंकि कराची में सिर्फ 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी मटका चाय दी जा रही है, मगर उनके जो प्राइस लेवल है और उनकी जो क्वालिटी है, वो प्राइस लेवल को अगर क्वालिटी से कंपेयर किया जाए तो उतना मज़ा नहीं है। तो हमने कहा कि हम कम कॉस्ट में कस्टमर को ज़्यादा अच्छी चीज़ पिलाएं, तो कस्टमर भी हमारे साथ अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर्स की तादाद भी बढ़ेगी और कस्टमर को अच्छी चीज़ भी मिलेगी। बिल्कुल, तो आपकी अभी कॉस्ट क्या है 1 kg मटका बिरयानी? 1 kg मटका बिरयानी की कॉस्ट हमने पहले स्टार्टिंग में रखी थी 650, अभी हमने इसको करी है 800 में, आपके साथ इसके साथ रायता भी होता है। ठीक है, PVC के साथ ही जाती है, यहाँ खाना चाहे तो यहाँ पे भी खा लें, और हमारी डिलीवरी फ्री रखी हुई है। अच्छा, डिलीवरी कौन कौन से एरिया में आप अभी कर रहे हैं? ऑन द वर्ल्ड हम लोग अभी चल रहे हैं 5 kilometers ऑन और डेस्टिनेशन, मतलब अगर हम नॉर्थ कराची अपने रेस्टोरेंट से लेते हैं तो सरजानी तक हमारी ऑल ओवर फ्री है, और अगर आप राइट लेफ्ट हैंड पे चले जाते हैं तो यहाँ से हमारी हैदरी तक हमारी डिलीवरी जाती है, उसके बाद आगे चार्जेस लेते हैं। बिल्कुल, उसके आगे अगर कोई मंगवाना चाहे तो हम चार्जेस लेते हैं। अच्छा, आप इस पर आ जाते हैं, ये चीज़ हमारी हो गई है रेडी, अब इसके अंदर लग गया दम, अब इसको निकाल देंगे बिल्कुल इस तरह से, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है, इसका मतलब ये है लास्ट स्टेज। अच्छा उमेश भाई, आप इसको कहते क्या है इसमें आपने रखी है? हाँ जी, बेसिकली इसको कहते हैं तंदूर। अच्छा अच्छा, लोग जो है वो बनाते हैं बारबेक्यू, जिस टाइप की जो बारबेक्यू की एक इंग्रेडिएंट टाइप होती है उसमें बनाते हैं। ठीक है, होता क्या है वो होती है चारों तरफ से ओपन, ऑब्वियसली ओपन होने की वजह से जो हवा लगती है उसकी वजह से मटका बिरयानी जो अंदर बिरयानी कवर नहीं कर पाती ना अपनी हीटअप को। ठीक है, इसलिए हमने उसको देखते हुए तंदूर लिया है, क्योंकि तंदूर चारों तरफ से पैक होता है, चारों तरफ से पैक होने की वजह से इसको प्रॉपर हीट मिलती होगी। बिल्कुल, इसी तरह से चारों तरफ से इसको हीट मिलती है, तो जो काम 10 मिनट में होना होता है वो 2 मिनट में हो जाता है। गुड हो गया, ये इस तरीके से। और यहाँ आप कितने मिनट तक रखेंगे? मैक्सिममली अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मिनट्स के अंदर ये प्रॉपर गर्म हो चुका है, मतलब कोयले का दम आप तकरीबन 7 to 8-10 मिनट तक देखते हैं और फिर उतना ही टाइम इसमें भी लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है ये, अगर आप मैक्सिममली 5 मिनट्स के अंदर ये अंदर से पूरी प्रॉपर हीटअप हो चुकी है। ठीक है उमेश भाई, जरा आप अपनी लोकेशन के बारे में भी बता दें सबको। ये लोकेशन है हमारी, ये KNBC है पावर हाउस से, अगर आप नॉर्थ कराची वाली साइड से आ रहे हैं सरजानी वाली साइड से, तो पावर हाउस से आप राइट टर्न लेना पड़ेगा, आपको राइट टर्न लेंगे तो आप यहाँ पे नेशनल बैंक है, और नेशनल बैंक है बिलाल मार्ट है, बिलाल मार्ट और नेशनल बैंक के मिड ऑफ में अल गफूर रीजेंसी के नीचे, और अगर आप यहाँ से आ रहे हैं हैदरी वाली साइड से, नॉर्थ नाजाबाद वाली साइड से, तो फिर आपको पावर हाउस से लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप हाफ एन किलोमीटर के ऊपर आपको ये हमारा एड्रेस मिल जाएगा। KNBC काफ़ी बड़ा बोर्ड है हमारा KNBC का, तो आपको आराम से सर्च आउट होगा। दोस्तों यहाँ इन्होंने सर्व करने की तैयारी अब शुरू कर दी है, ये कोयले के थोड़े थोड़े से इन्होंने पीसेस लिए हैं, इसको मटके के नीचे रखेंगे इसको, ताकि इसमें गरमाई रहे और इसको हीट मिलते रहे, और अब देखें ये इन्होंने सर्व करना हमें स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, इसके सर्व करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ऊपर जो इन्होंने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ये निकाल के एक जगह रख देते हैं, और फिर ये पूरे मटके में से बिरयानी निकाल के इस तहार में
फैला देते हैं, ताकि बेसिकली ये जो बिरयानी होती है ये 1 पर्सन के लिए नहीं है, ये 3 पर्सन के लिए है, तो ये सारी उस थाल में निकाल देते हैं ताकि सब लोग एक साथ इस थाल में खाएं और इसको एंजॉय कर सकें। नोट करें तो इसमें बोटी, एक एक बोटी जो है प्रॉपर अलग अलग दिख रही है, तो इनका चावल भी लंबा है और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये खाने में भी इतना ही टेस्टी होगा जितना ये दिखने में बिरयानी अच्छी लगती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उम्दा। टेस्टी, मज़े के। दोस्तों क्या बताऊँ, टेस्टी, बहुत ही उम्दा। इसमें जो स्मोक का एक टेस्ट आ रहा है ना, वो बहुत ही उम्दा। आपने नॉर्मली जो बिरयानी खाई होगी उसमें स्मोक का टेस्ट नहीं आ रहा होता, लेकिन इसमें एक डिफरेंट टेस्ट आ रहा है, जिसकी वजह से जो बिरयानी है ना ये आउट क्लास हो गई। मुँह में जाके जो एक डिफरेंट टेस्ट आ रहा है ना, वो आउट क्लास है। मैंने ऐसी बिरयानी आज तक नहीं खाई।